केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद आरके सिंह ने कहा, कुछ दिन पहले एक बयान दिया कि आरा नगर निगम के जितने भी वार्ड पार्षद हैं, जनता उनसे क्यों नहीं पूछती है कि क्या विकास किया उन्होंने, क्या कहेंगे? माननीय मंत्री जी माननीय है, उनका बहुत बढ़िया वक्तव्य है। क्या है कि जनता हिसाब क्यों नहीं मांगती है? लेकिन सही बात है, जनता को हर जनप्रतिनिधियों को हिसाब मांगना चाहिए उनके 5 साल कार्यकाल का, कि आपने 5 साल में क्या किया उसका हिसाब दे। जनता की डिमांड है, हम जनता को 5 साल का 4 साल का अपने कार्यकाल का हिसाब देने देंगे जरूर। आरके सिंह अपना हिसाब कब देंगे? वो भी जनता जब मांग करेगी वो हिसाब देंगे। जनता तो मांग कर ही रहा है कि आरा का शहर का पूरा स्थिति जर्जर हुआ है सड़कों का, यदि व्यवस्था का दिया जाए, यदि उनकी योजनाओं को देखा जाए तो उनकी योजना में तो खुद बड़ी गड़बड़ी देखने को मिल रहा है। सड़कों पर जो लाइट लगाया गया था आज तक कहाँ है, लाइट जलता भी नहीं है। खुद जब यदि दूसरे के घर में ढेला फेंकने से पहले अपने गरबान में भी तो झांकना चाहिए आरके सिंह को, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पार्षद नगर निगम के ऊपर अपना टिप्पणी किया, उस टिप्पणी के हिसाब से तो खुद को अपने आप को पाक साफ करने के लिए पाक साफ वाला काम तो करना पड़ेगा उन्हें। ये आपका कथन सही है, उनको भी हिसाब देना चाहिए। जैसे आज मैं आपके सामने बिछू, मैं आपको हिसाब दूंगा, जनता की डिमांड पर ही आप हिसाब अपना हिसाब किताब देने जा रहे हैं, क्योंकि अभी मेरा 4.25 साल का कार्यकाल माँ का हुआ है, ये कार्यकाल का हिसाब आपको हम जरूर देंगे। उन्हें भी जनता को हिसाब देना चाहिए कि उनके द्वारा क्या क्या कार्यकाल के एक एक रुपया का मैं भी आपसे कर रहा हूँ हिसाब दूंगा, और जनता को अधिकार देता हूँ कि मेरे वार्ड का RTI का जमाना है, जांच करवा ले RTI डाल के, अगर उस RTI के में कुछ भी एक त्रुटि भी आ जाएगी मेरी माँ का तत्काल इस्तीफा ले और मेरी माँ अगला बार चुनाव नहीं लड़ेगी, एक भी त्रुटि मिल जाए गलत। तो क्या आरके सिंह ने जो कहा वो जांच होना चाहिए एक तरीके से, लेकिन एक बात और बताइए, कितना लंबा समय हो गया? 7 साल समय काफी समय होता है, 2 बार मंत्री, दूसरी बार आप मंत्री हैं, और भोजपुर सबसे दुर्भाग्य की बात कहा जाए, दुर्भाग्य और शर्मनाक कहा जाए, यहाँ के लोगों का दुर्भाग्य और नेताओं के बेशर्मी कि इतना बड़ा पद पर होते हुए भी भोजपुर के लिए कुछ इस तरीके का काम नहीं किया गया ताकि आने वाले जनरेशन कुछ दिया जा सके। देखिए आने वाले जनरेशन की तो उन्होंने दिया है, जैसे मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज क्या हो, ये उन्हीं के माध्यम से है। अमरेंद्र प्रताप सिंह द्वारा जी अभी 6 महीने कृषि विद्यालय यूनिवर्सिटी का उन्होंने दे दिया है, ऐसे ही उनको भी जनता को हिसाब जरूर देना चाहिए। जनता उनसे भी मांग कर रही है हिसाब, जैसे हम अभी आपको हिसाब देने जा रहे हैं, हिसाब उनको भी देना चाहिए कि मैंने ये कार्य किया। छोटा सा क्या क्या कार्य किया आपने अपने वार्ड में? सबसे पहले आपको बताते हैं, वार्ड की जनप्रतिनिधि सबसे बड़ा होता है वार्ड की साफ सफाई। वार्ड की सफाई में नगर निगम के द्वारा मेरे वार्ड में 12 लेबर आवंटन किया हुआ है, 12 लेबर कार्य करते हैं। ये किसी भी अधिकारी बिना मुझसे खबर किए हुए अभी भी आके जांच कर सकते हैं कि 12 लेबर मेरे वार्ड में कार्य करते हैं। मेरे वार्ड में 2 गाड़ियां हैं, एक बड़ी गाड़ी एक छोटी गाड़ी, छोटी गाड़ी बैटरी चलित है, वो दोनों कार्य करते हैं, क्योंकि मेरे अगल बगल छिड़क उठाओ फेंकाव होता है। दूसरा बात आपको एक बात बता देते हैं, मटिया से लेके महादेवा रोड जो बना है वो 3 वार्ड पार्षदों के सहयोग से बना है। 20-20 लाख रुपए हम लोगों ने 20 नंबर वार्ड, 21 नंबर वार्ड और 22 नंबर वार्ड के जनप्रतिनिधियों के द्वारा मठिया से लेकर महादेवा रोड के लिए आवंटन किया गया था, उसके द्वारा वो बना हुआ है 60 लाख रुपए में ये टोटल रोड बना है। और दूसरा आपको बताते हैं, इससे पूर्व भी जो भी गलियां बनी है 2-3 साल पहले सारे कार्य हुआ है। और आपको बताते हैं एक मिनट कि ये शिवगंज से लेके जेल रोड होते हुए मठिया मोड़ तक का नाला का निर्माण है पूर्ण नहीं हुआ है। पूर्ण नहीं हुआ इसके पीछे रीजन भी आप बताते हैं, संवेदकों का पेमेंट 8 महीना से नहीं हुआ है। ये संवेदक दो ये गलत कार्य, संवेदकों का पेमेंट होना, जो संवेदक कार्य कर लिए हैं उनका पेमेंट हो तब न संवेदक आगे कार्य लगाएंगे। ये मैं माननीय अधिकारी पदाधिकारी से कहता हूँ, संवेदक जो कार्य कर लिए हैं उन लोग पेमेंट हो। निगम में बैठक भी आयोजित होने वाला है सुनने में आ रहा है, तो पक्ष विपक्ष खुद निगम के वार्ड पार्षद एक दूसरे से हैं, तो किस तरीके से क्षेत्र का विकास होगा, निगम का विकास होगा? क्योंकि निगम में बहुत बड़ा घोटालेबाजी तो सामने हुआ आ ही चुका है, व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि जांच हम करवाएंगे, लेकिन जांच देखिए कब होता है कब नहीं होगा। लेकिन बहरहाल आरा की जनता त्राहिमाम इसलिए कर रही है क्योंकि यहाँ के लोगों ने अपने जनप्रतिनिधि को अपना मत देकर चयन किया, चयन का परिणाम ये हुआ कि न अच्छी सड़क है, न गली का साफ सफाई है, न नाले का उड़ाई है, क्या है? देखिए बैठक का बात सही, बैठक का बात है, बैठक होगा, बैठक में विकास के ही कार्य होता है, बात होता है, जहाँ कुछ त्रुटि उसको रहता है उसको दूर किया जा सकता है। माननीय मंत्री जी द्वारा एक वक्तव्य कहा गया कि 66 करोड़ रुपये आया है, इस बात को आपको मान रहे 66 करोड़ रुपये निगम में आया, लेकिन 66 करोड़ में आपको बता देते हैं कि 50% जो आवंटन होता है वो कर्मचारियों के वेतन अवकाश निधि और पेंशन के लिए सुरक्षित रहता है, 30% जो योजना है
नल जल योजना के लिए रहता है और 20% में नली गली का निर्माण होता है। उसके लिए वो जो भी जांच कराएं करा सकते हैं, स्वतंत्र हैं। मैं आपके बीच अभी आपको बता रहा हूं कि मेरे वार्ड में जो जो चीज आवंटन हुआ है नगर निगम के द्वारा वो मैं, उसके अलावा मेरे अपने पर्सनल और प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत जो वार्ड के लोगों को मैंने लाभार्थ किया है वो आपको बताने जा रहा हूँ। कबूल आया था, एक पाटलेश्वरनाथ मंदिर में लगा, एक स्टेट बंगाली जिसको सब घरवा कहते हैं वहाँ लगा। प्रधानमंत्री अमृत योजना के तहत वार्ड में कार्य प्रगति पर है, बहुत जल्द ये कार्य पूर्ण होगा। दूसरा, कोरोना काल में जरूरतमंदों के बीच राहत सामग्री का वितरण वार्ड पार्षद रेखा जैन के द्वारा किया गया। वार्ड में 92% लोगों का वैक्सीनेशन कार्य हो चुका है। वार्ड में जाड़ा के समय जरूरतमंदों को कंबल का वितरण के मनोकामना पूर्ण हनुमान मंदिर के सहयोग से। दूसरा, वार्ड में 2015-16 में पाइपलाइन का आवंटन हुआ था नगर निगम के द्वारा 3,000 स्क्वायर फीट, जिसका कार्य पूर्ण करा दिया गया है वार्ड पार्षद रेखा जैन के सहयोग से, क्योंकि इसके पूर्व के जनप्रतिनिधि के द्वारा जो तथाकथित लोगों को 15 साल से बरगला रहे थे, बेवकूफ बना रहे थे कि पाइपलाइन करेगा कार्य करेंगे, लेकिन वो कर नहीं रहे थे। उनका काम है सिर्फ जनता को दिग्भ्रमित करना, लोगों को बेवकूफ बनाना। 100 में 99% बात उनका झूठ रहता है। वो लोग अपने 2-3 दलाल चमचे को लेकर बात जनता को भी दिग्भ्रमित पैदा करते हैं, कार्य उल्टा सीधा जनता भरमाते हैं। वैसे जनता को उन्होंने जवाब दे चुके हैं 2017 में, और फिर उनको जनता वो जवाब देगी। और दूसरा कोटा थे, वार्ड में निगम द्वारा आवंटित डस्टबिन का वितरण किया गया। वार्ड में बहुत जल्द ही लोग, आपको लगता है आपको लगता है कि आपने क्षेत्र में विकास के कार्य किए हैं, आपके क्षेत्र में आपके जनता आपके कार्यों से संतुष्ट है, तो इस बार क्या लगता है आने वाले चुनाव में जो होगा? जनता मालिक है, मैंने अपने कार्य किया प्रकार से, मैंने बहुत हद तक जनता संतुष्ट किया है, और मैं जरूर कहूंगा मैंने कार्य किया है। जनता भगवान मालिक है और जनता उसका आशीर्वाद हमें जरूर देगी। इसे मैं वार्ड नंबर 22 की जनता पर भगवान स्वरूप है, पूर्णतः विश्वास है उन्हें, क्योंकि मेरी माँ, एक बात और आपको बता देते हैं, मेरी माँ के चुनाव जीतने हुए वार्ड में तिरंगा झंडा का फहराना स्टार्ट हो गया था। कुछ कथित लोगों के द्वारा तिरंगा झंडा फहराने पर रोक लगाया गया था, लेकिन उनका नहीं चला और मेरे वार्ड माँ के द्वारा तिरंगा झंडा खारा कुआं के पास फहराना स्टार्ट किया गया।